तो किस टाइम से लगे हुए यहाँ पे? पाँच छह दिनों हर रोज सैनिटाइज करते हो, तो आपने पूरा बाजार किया और भी कहीं करते हैं, गलियों में भी जाते हो? गलियों में भी जाते हो। तो कितने ट्रैक्टर लगे हुए हैं? एक ट्रैक्टर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएन हरियाणा। देख रहे हैं कि आज जुलाना मार्केट में सैनिटाइजर किया जा रहा है। ये देखिए ट्रैक्टर पर नगरपालिका कर्मचारी सैनिटाइजर करते हुए दुकानों को, ये देखिए दुकानों पर ये सैनिटाइज किया जा रहा है। तो पूछे जो ड्राइवर है, नगरपालिका कर्मचारी है, भाई साहब सैनिटाइजर करे हो मार्केट को, जो जुलाना बाजार है, तो किस टाइम से लगे हुए आप? पाँच छः दिनों हर रोज सैनिटाइज करते हो, तो आपने पूरा बाजार किया और भी कहीं करते हैं, गलियों में भी जाते हो? गलियों में जाते हो। तो कितने ट्रैक्टर लगे हुए हैं? एक ट्रैक्टर लगा हुआ है। देखिए भाई, नगर पालिका कर्मचारियों ने बताया कि एक ट्रैक्टर लगा हुआ है, लगातार सैनिटाइजर इनके द्वारा किया जा रहा है मार्केट में। ये देखिए भाई, सैनिटाइज करती है ये मशीन, जो नगर पालिका प्रशासन की जो सैनिटाइज कर रही है मशीन, देखो भाई पूरा जुलाना सैनिटाइज इनके द्वारा किया जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन जुलाना द्वारा ट्रैक्टर पर सैनिटाइजर मशीन लगाकर सैनिटाइज किया जा रहा है। ये देखिए भाई, सैनिटाइज करती मशीन पूरे बाजार को इसे में सैनिटाइज किया जा रहा है ट्रैक्टर के द्वारा। भाई साहब, बाजार में सैनिटाइज करके गए हैं ट्रैक्टर पे नगर पालिका कमेटी वाले, तो आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रशासन हमारे ऊपर इतना ध्यान रखे हुए है कि ये बीमारी ज़्यादा ना फैले, तो बहुत खुशी है। मतलब ये बहुत खुशी है, ये नगरवासी बोल रहे हैं कि हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी है, तो नगर पालिका प्रशासन लोगों की इतना ख्याल रखे हुए है और यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे बाजार को। इसी तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए डीएन हरियाणा के साथ। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया, जुलाना के मेन बाजार से।